गॉड मॉर्निंग। न्यूमरोलॉजी के बारे में सवाल था, तो सबसे पहले तो मैं इस पर बात करना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी पे अक्सर लोग बात करते हैं, और मैं इस पर हर किसी का अपना अपना अंदाज़ है। जैसे मेरा चैनल पे डेविड 369 एरियल्स है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर रखा हुआ है इस पर अच्छे खासा मवाद। तो उसमें यह है कि कुछ लोग दुनिया के डिफरेंट 6000 किस्म के स्कूल ऑफ थाट हैं, और हर स्कूल ऑफ थाट में डिफरेंट किस्म के वर्ड्स दिए जाते हैं कि आपने इस वर्ड को इतनी मर्तबा उस टाइम में पढ़ना है। देखिए, जब इल्मों को खोला जाता है, उलूम को खोला जाता है, तो उसको समझ लेना चाहिए। ज़ाहिर है कि आप लोग मेरे फॉलोअर हैं, बहुत ही लिसनर हैं, फॉलोअर हैं, सुनना चाहते हैं, तो बहुत से लोग सुनते हैं, लाइक भी करते हैं, अच्छा लगता है। तो मैं इस पर आज वाज़े कर दूँ, ये तफसील के साथ तीन चीज़ों को मैच किया जाता है। सबसे पहले जिस वर्ड को वो कहते हैं कि इस वर्ड को पढ़ना है, तो उस वर्ड की न्यूमरोलॉजी निकलती है, ठीक है। फिर ये कि उस टाइम में पढ़ना है, तो उस टाइम की न्यूमरोलॉजी निकलती है। फिर ये होता है कि आपने कितनी तादाद में पढ़ना है, उसकी न्यूमरोलॉजी निकलती है। तो इन तीनों को जब मिक्स करते हैं, तो एक फ्रिक्वेंसी डेवलप होती है, जिससे हीलिंग वजूद में आती है, और ये हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो ये फोटोन, फोनॉन और क्वार्क्स के ये सारे मामलात हैं। ये सारा का सारा अगर आपने इसको लिसनिंग मटेरियल में इसको करना हो, तो आपके फोनॉन से आपको ये आपकी फ्रीक्वेंसी पेनिट्रेट हो जाती है आपके जिस्म में। और इसी तरीके से अगर आपने इसको फोटोन से देखना हो, तो वो लाइट्स के ज़रिए आपके अंदर पेनिट्रेट हो जाती है, तो मसाम के ज़रिए दाखिल होती हैं, या किसी भी तरीके से। तो ये एक फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है, जिसे न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, और इल्मुल आदात को पूरी दुनिया इसको मानती है। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि आप नौ के हिंसे को अगर आप समझेंगे, कोई अपने सॉन्ग में जैसे एक कहा गया, दो तारा, नौ तारा, सौ तारा, तो ये सारे के सारे आदाद हैं, इसका हासिल भी तीन ही निकलता है। तो 369 से अगर आप जिंदगी की इब्तिदा करते हैं, पहले तीन को तो वजूद में लाइए। तो इसलिए मैं तो इतना कहूँगा, जैसे अब अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब एक तरफ सात है और दूसरे मुकाबले में तीन है, तो तीन वजूद में आएगा, तो उसके बाद छः वजूद में आएगा, तो छः वजूद में आएगा तो नौ तक पहुँचेंगे। तो हम नौ की न्यूमरोलॉजी को जब हम देखते हैं, नाइन या कैलेंडर को देखते हैं, नौ की न्यूमरोलॉजी को देखते हैं, तो इसीलिए हम 369 को ही पढ़ने की बात करते हैं, सुनने की बात करते हैं, कि तमाम अल्फाज के बैक एंड पे न्यूमरोलॉजी होती है। तो इस बात को समझ लेना चाहिए। तो मेरा इस पे पहले एक लिरिक्स है, तो इसमें जब हम इंग्लिश में देखते हैं, BKTCLU Ya Qawain Bakarin Jalashin। अब मैंने इसमें इंग्लिश में भी आपको 369 ही कहा है, और अरबी में भी 369 ही कहा है। अब देखा जाए तो यहाँ पर दो मरतबा इंग्लिश में 369 कह दिया, और दो मरतबा तो ये हासिल नौ ही निकलता है। तो जब हम समझेंगे, तो हम इसलिए 369 को ही लिसनिंग, और उसको मुख्तलिफ वोकल्स में जब हम डिज़ाइन करते हैं, तो ताकि लिसनिंग मटेरियल से हीलिंग डिवेल्प हो। तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि दुनिया के 6000 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट में जितने वर्ड्स और जितने टाइम के साथ और जितनी मर्तबा के बाद कहा जाता है, उसके पीछे न्यूमरोलॉजी ही होती है। और रब्बुल आलमीन ने एक निज़ाम खुदाबंदी जब चलाया, बनाया, तो साथ बताया कि मैंने इसको 6 दिन में बनाया है। किसी नाम से नहीं बताया कि मैंने फलां नाम से बनाया है, कहा
मैंने आदाद में बनाया है, मैंने इसको 6 दिन में बनाया है, मैंने इसको 3 दिन में बनाया है, मैंने इसको 6 दिन में बनाया है, मैंने इसको 9 दिन में बनाया है। कभी गौर तो कीजिए हेवनली बुक को। तो इसलिए मैं 369 पे स्ट्रांग बिलीव करता हूँ, बी विद अस डेविड एरियल सिंगर एंड रिसेप्शन ऑलवेज विद यू।